हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू। आई एम योर कल्तुबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड जून 2023 की रीडिंग। यस, न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। कौन सा नया चैप्टर होगा, क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्या होने वाला है, क्या आप डील करेंगे और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं या आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये होगा न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग आपकी ओवरऑल लाइफ, फैमिली, आपकी उसमें एजुकेशन में, आपकी स्टडी में, या आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, वर्क में, या इवन लव लाइफ में, आप चाहे जो भी हैं या जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आपके लिए रीडिंग क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं और प्रेडिक्शन क्या है जून 2023 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ या जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है उसके साथ रेजोनेट्स करेगा तो ही आप इस चीज़ को क्लेम करेंगे। और आप क्लेम करने का मकसद यह है कि आप बिलीव करते हैं 100% कि आपको यकीन है कि ये चीज़ आपको मिलेगी, यूनिवर्स आपको देगी। मेरा काम यहाँ पे रीडिंग करना है, ठीक है, मेरा काम यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, आपका काम बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है और उन चीज़ों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है जो यहाँ पर आपके लिए रीडिंग की जाएगी, जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि एक्शन होगा तो ही आपको रिएक्शन मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज जो चीज़ आपको करनी है करेंगे, जो चीज़ नहीं करनी वो भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक करते जाएं वीडियो को, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। आई विल रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है हर रीडिंग पे, हर और इस चैनल पे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स हैं, आपने अपना इनिशियल, जो आपका अपना नेम है, आपका नेम स्टार्ट होता है जो इनिशियल से, उसको आपने सिलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर वन विद दिस इनिशियल। ठीक है, ये है पाइल नंबर वन, इसमें ये वाले इनिशियल हैं। आप वीडियो को पास करके, स्टॉप करके आप देख सकते हैं। और ये है ग्रुप नंबर टू, पाइल नंबर टू, जिसमें ये वाले इनिशियल होंगे और इसी में ही आपकी प्रेडिक्शन की जाएगी और आपके लिए मैसेजेस होंगे। आपने अपना इनिशियल स्टार्ट करना है जिसमें हम आपकी जून मंथ की प्रेडिक्शन को देखेंगे, आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, देखेंगे कि आपकी लक, आपकी कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ, शेयर ज़रूर करते जाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, लेट्स गो। हेलो जी, जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ की है और आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है और आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। ऑलरेडी सम प्री शफल्स ओरेकल्स कार्ड, फिर हम टैरो यूज़ करेंगे। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पाइल में। वी हैव अ फॉरगिवनेस, यहाँ पे है फॉरगिवनेस, यहाँ पे स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट योर, यू क्रिएट योर रियालिटी बाई वट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ओके, तो आपको पास्ट वाली चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा किसी इंसान को। अब ये कोई इंसान आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है या इवन लवर भी हो सकता है। या अपने आप को भी माफ़ करें, फॉरगिव करें। आपने जो गलतियाँ की उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश मत करें। अपने आप से नाराज़ ना हो, अपनी डेस्टिनी से नाराज़ ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वक्त फॉरगिव करने की ज़रूरत है या आपको किसी की फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो उस इंसान की तरफ रीच आउट करें, उस इंसान से सुलह सफाई करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। और अगर आपने फिर भी करके ट्राई कर लिया है, देख लिया है सब कुछ, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दें, फॉरगिव करें इस इंसान को और ख़ुद को भी फॉरगिव करें। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या होगा। वी हैव अ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो आप टॉरस हो सकते हैं या टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आपका मून टॉरस में हो सकता है। टू बी फेयर, 38 आपकी एज हो सकती है, नंबर 11 आप बहुत देख रहे हैं, नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। द टेंपल पाथ, फिर है हमारे पास इंट्यूशन, हमारे पास है ट्रायम्फ। आपके पास दो मेजर अर्काना ऑलरेडी आ चुके हैं और वी हैव अ फर्म फाउंडेशन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो हैं, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, वाटर साइन के साथ या टॉरस के साथ, विर्गो या कैप्रिकॉन के साथ। ठीक है, ये आपके साइन भी हो सकते हैं या जिन साइंस के साथ आप डील कर रहे हो, ये उनकी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रही है। ठीक है, इस मंथ के लिए एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पे होना ज़रूरी है कि आप खुद को भी माफ़ करें और उन लोगों को भी जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरगिवनेस में ही ये चीज़ है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, विद दिस चैरियट आप फाइनली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन चीज़ों से निकलना चाहिए। फेयर डिसीजन लें, विद टू बी फेयर, जो चीज़
अगर आपकी गलती है तो आप एक्सेप्ट करें, और अगर इस इंसान ने कोई गलती की है तो आप उस इंसान के साथ इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि टू बी फेयर का मतलब है जो चीज़ भी करें सही करें, दुरुस्त करें, बिल्कुल ठीक करें, जस्टिस है यहाँ पे। तो ये मैटर्स कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं इस मंथ जो आपकी फेवर में होंगे, या आप सुलह सफाई से लीगल मैटर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए वही डिसीजन लें जो आपके लिए ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, या कोई अगर आप साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, या किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो वो भी सोच समझ के टू बी फेयर लीगल मैटर्स के साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रायंफ आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है इस मंथ इस जो ये जो पाइल है इसमें मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है इस मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करें जो आपको बाद में जाके, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इन अ हेड इसका मतलब है आगे जाके उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे, आगे जाके उसका फल मिलेगा, आगे जाके उसकी इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा मिलेगा या आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे टू बी फेयर का मतलब ये भी है कि आप हो सकता है इस मंथ से कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, या आप किसी न्यू जॉब में जाने वाले हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइनली आपके फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को सेविंग की भी ज़रूरत है, अपने मतलब इन्वेस्ट योर मनी और सेव योर मनी, ताकि अपने मनी को आप सेव करें ताकि कल को आपके काम आ सके, उसको एक अच्छे बेटर तरीके में इन्वेस्ट करें या सेव करने की कोशिश करें ताकि कल को आपको सक्सेस मिले, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, आप ऐसे कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, मतलब आप किसी टेंपल में या किसी जैसे स्पिरिचुअल, आपका जो भी रिलीजन है उसके लिहाज से आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, या आप कहीं जाना किसी होली प्लेस पे जा रहे हैं, कोई होली फेस्टिवल है या कोई आपका स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको शायद सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब सेव करना चाहिए मनी, ताकि आपको कल को इस इवेंट के लिए जो आप फ्यूचर में है या आने वाला है उसके लिए आपको कल को कोई नुकसान ना उठाना पड़े, मतलब आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अपनी फाउंडेशंस को जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंजिंग का इस वक्त आपको सामना है, हो सकता है आप किसी टेस्ट से इसे गुजर रहे हैं अपनी लाइफ, आपकी इस वक्त फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में है, या चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जून जुलाई से जो है नेक्स्ट टू मंथ से स्पेशली जुलाई से आपकी जो लाइफ है वो मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी अप्रैल में, या अप्रैल में कोई कुछ हुआ था, या मार्च में अगर आपने कुछ किया था, या लास्ट जुलाई में आपने कुछ किया था, तो उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है इसी साल में, ठीक है, आपको फाइनली चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, या विद इन 2, 4, या 7 वीक्स या मंथ्स के अंदर आपकी फाइनेंशियल चीज़ें मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सेविंग कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे सिटी में जाना चाहते हैं, और इवन दूसरे कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आपको गाइड कर रही हैं, तो आपको सेविंग की ज़रूरत है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, शायद आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे, या आप किसी होली प्लेस पे जाने वाले हैं, ठीक है, जो आपके रिलीजन में होली प्लेसेस हैं, जो आपका फेस्टिवल है, मतलब कुछ इस तरह का कोई हो सकता है जिसमें आपको जाना चाहिए, या आप जाएंगे इस मंथ या नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स के अंदर। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, बैलेंस हो सकता है, आप लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा के साथ डील करें, यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। अब ये देख लेते हैं कि आप लोगों की ओवरऑल फैमिली में भी अगर कोई चीज़ हो सकती है जिसके साथ कोई झगड़ा है, कोई इशू है, मैंने आपसे जैसे कहा ये जो भी इंसान है जिसके साथ आपका कोई क्लैश है, कोई इशू है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या कोई आपकी तरफ आ सकता है इस मसले को हल करने के लिए, मतलब आपसे सुलह सफाई करना चाहता है, या आपके साथ इशू को मतलब रिजॉल्व किया जा सकता है पीसफुली, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, डायरेक्शन क्या है। अगर आपको इस वक्त नहीं समझ आ रही, बहुत जल्द आपको समझ आएगी कि बेसिकली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव और इवन अपना मनी भी, कि आपको क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। आप में से कुछ लोग इस मंथ अपने लिए कुछ एक्सप्लोर भी करेंगे, आपको डिस्कवरी होगी कि वाओ ये चीज़ मेरे अंदर है, या ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आपको अपने टैलेंट की या अपने टैलेंट या कोई स्किल नज़र आएगा, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कल को फ्यूचर में प्रॉफिटेबल लग सकती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कुछ सीखेंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग काफ़ी सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, साइकिक रीडिंग देख रहे हैं, या आप हो सकता है टैरो रीडिंग या साइकिक रीडर के पास पहुंच रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच रहे हैं बताने के लिए कि हमें बताएं कि हम क्या करें नेक्स्ट। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हो सकता है सैजिटेरियस हैं, या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं।
ओवरऑल अब आपकी ओवरऑल लाइफ में देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, जो सिंगल है उनकी लाइफ में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंगल लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी और फिर देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। एडवांस, ओके, हो सकता है आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई कॉन्टैक्ट आपसे कर सकता है, या आप किसी के साथ बैक टू बैक किसी के साथ मैसेजिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है, कॉल्स पर बात हो रही है, ये चीज़ हो सकती है। फ्लर्टिंग एनर्जी है ये, ठीक है। किसी के साथ आप ऑनलाइन मिले हैं या इंटरनेट पर, या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, ये हो सकता है सिंगल्स लोगों के लिए। या नाइट ऑफ कप्स, ओके, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ठीक है। और आप दोनों के दरमियान में ये रोमांटिक ऑफर है, ओके, नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके घर प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। और अगर ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शादी आपकी अगस्त तक हो सकती है, या एंगेजमेंट या बात तय हो सकती है आप दोनों के दरमियान में अगस्त तक, ठीक है। अगस्त वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, या जुलाई या अगस्त में ये बात आपकी आगे बढ़ सकती है, चल सकती है, लेकिन ये प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आप इस इंसान को चूज़ करेंगे या नहीं। काफ़ी पीसफुल ऑफर है, काफ़ी रोमांटिक ऑफर है। आप में से कुछ लोग ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप इस वक्त कॉन्टैक्ट में हैं, या आप कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं, मतलब फ्लर्टी एनर्जी चल रही है, कोई आपको ऑफर कर सकता है, किसी को आप पे क्रश है, या अगर आप किसी को लाइक करते हो, ठीक है। सिंगल्स 11-11 मैंने देखा, ये आपकी विश है जो पूरी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं इस वक्त और आप किसी को लाइक करते हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं, या लेट से अपने आप को ओपन करें विद द एट वांट्स, नए लोगों से मिलने से, नए लोगों से बात करने से, लोगों के साथ मिंगल होने में, ठीक है, सोशल गैदरिंग में जाएं, सोशल प्लेसेस पे जाएं, ताकि आप किसी के साथ इंटरेक्टेड हों, कोई आपको नोटिस करे, आप किसी को नोटिस करें, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ लव आपके डोर स्टेप पर नहीं आएगा, खड़ा आके आ जाएगा और बोलेगा कि भी आई एम योर लवर, आई एम योर सोलमेट, ऐसा नहीं होगा। ढूंढना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ेगी, सोल सर्चिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो है जिसके साथ आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, या आपकी बात हो सकती है, मतलब कोई है जो आपकी तरफ आ सकता है, या ये आप ऑफर लेके जा रहे हैं किसी के पास, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है। आप जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए दे सकते हैं, ये इंसान फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या जो आपकी तरफ आ सकता है। सजेरियस हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान के चार्ट में, ये इंसान आपसे डिस्टेंस भी हो सकता है, या आप इस इंसान को डिस्टेंस ना भी हो, एक सिटी में भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फ़ोन पे या चैट पे या इंटरनेट इस तरह आप मिलेंगे इस इंसान को, या किसी सोशल गैदरिंग में भी आप मिल सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ट्रैवल है, तो अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अचानक से आपकी इस इंसान से मुलाकात भी हो सकती है कहीं, स्पेशली अगर आप कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, या कोई एडवेंचर पे जा रहे हैं। लेट्स सी जो लोग रिलेशनशिप में उनका क्या, वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप सेपरेशन में हैं, या आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, उनका क्या, लेट्स सी। ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, आप उस इंसान के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच हैं, लेकिन जिसके साथ आप अटैच हैं वो इंसान काफ़ी प्लेयर हो सकता है, आपकी लाइफ में हॉट एंड कोल्ड हो सकता है। ये वो इंसान है जो मतलब सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप इस इंसान को काफ़ी सीरियस हो। अगर आप लड़की देख रहे हो इस रीडिंग को, या आप फीमेल हो, या इवन अगर आप मेल भी हो, तो हो सकता है आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। क्वीन ऑफ कप, आप इस इंसान से बहुत लव करते हो, आप इस इंसान के साथ अटैच हो, लेकिन ये इंसान काफ़ी प्लेयर सा हो सकता है, आपसे एज में छोटा, आप दोनों का डिफरेंस हो सकता है, या प्लेयर एनर्जी है इस इंसान की, फ्लर्टी, इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड, मतलब नॉन सीरियस एनर्जी है, और आपको समझ नहीं आ रही कि ये रिलेशनशिप, या आप अगर इस इंसान को डेट भी कर रहे हो, आप ज़्यादा अटैच हो, ये इंसान मतलब हो सकता है कैजुअली ले रहा है रिलेशनशिप को, या आप अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश, इस इंसान की तरफ से ऐसा लग रहा है वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, गो विद द फ्लो, या आपका फिजिकल कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ, आप ज़्यादा अटैच हो अगर आप फीमेल हो या फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है या क्या जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या आपको अगर सेपरेशन में हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने इस इंसान को इतना लव दिया, इतनी अटैचमेंट आपने इस इंसान से की, आपने इतना मतलब इस इंसान को लव दिया, केयर दिया, तो ये इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि ये सेपरेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रही, या नो कॉन्टैक्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये इंसान क्यों नहीं आ रहा, और आप मुसलसल इस इंसान के बारे में दिन रात सोचे जा रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे इस इंसान की थॉट से, सोच से, ख्यालों से, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये है आपकी रीडिंग। अब आप लोगों के लिए एक मैं मैसेज यहाँ पे निकाल लेती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ओवरऑल आप लोगों के लिए। ओरेकल्स कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव अनकवरिंग ट्रेजर,
बीनीथ द सर्विस लाइफ लाइज ग्रेट बाउंटी. ओके, सो हो सकता है कि कोई आपको ट्रेजर मिलने वाला है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, या चीज़ों को बिगर पिक्चर के लिहाज से देखें कि फाइनली क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में या कहाँ पे आपको ट्रेजर मिल सकता है. कोई चीज़ है जो आपके सामने फाइनली खुल के आएगी सामने, फाइनली आपको पूरी पिक्चर या पूरी स्टोरी समझ आएगी. इन द फ्लो, यस, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सो गो विद द फ्लो. ओके, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं या क्या हो रही हैं. ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ फाइंडिंग सेंचुअरी ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. यस, तो स्पिरिचुअल सोर्स पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें, हैव फेथ इन यूनिवर्स एंड गॉड. वो आपको डेफिनेटली ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे या जो चीज़ आपको चाहिए ही विल गिव यू, ओनली द गॉड. ओके, यूनिवर्स पे बिलीव करें और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें. जो चीज़ आपको सही ले रही है वही करें अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए. ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम. अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग. और आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है. वी हैव अ प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर. तो ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ प्लेफुल एनर्जी आपकी हो सकती है. ठीक है, कोई आपके साथ कोई फ्लर्टी एनर्जी हो सकती है, कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है, या अगर आपको किसी का इंतज़ार है, या अगर आप यू नो ऑलरेडी किसी को डेट करें हो रिलेशनशिप में हो, तो काफ़ी प्लेफुल एनर्जी चल रही है. इन्जॉय करें एक दूसरे की कंपनी को. लेकिन अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है प्लेफुलनेस की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों कहाँ स्टैंड करते हो, उनको क्या चाहिए. गो विद द फ्लो, हो सकता है वो गो विद द फ्लो जाना चाहें आपके साथ, या जो आपकी तरफ इंसान आ रहा है वो आते ही आप उसके सर पे ये बम ना फोड़ दें कि भी मुझे शादी करनी है या मुझे सीरियस रहना है. एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, प्लेफुल रहें, मेमोरीज बनाएं, तब आप देखें कि क्या वाकई आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री है या डायरेक्ट आपको ये चीज़ चाहिए. ठीक है, तो प्लेफुलनेस को लेके आएं रिलेशनशिप्स में. अगर आप सिंगल हैं, बी प्लेफुल, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, अपने आप को ओपन करें, अपने आप को लोगों के साथ मिंगल करवाएं, सोशलाइज हों. अगर आप घर बैठे हैं ऐसे टैरो वीडियोस देखते रहेंगे और फिर आप आके कमेंट करेंगे हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर आप जाएं लोगों के साथ मिंगल हों. ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, तब आपकी लाइफ में कोई लवर आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा. बी प्लेफुल, हैव फन, इन्जॉय, सोशलाइज करें, अपने आप को बाहर लेके जाएं, नए लोगों से मिलने की कोशिश करें, कहीं पे आपको इनविटेशन मिलता है तो ज़रूर जाएं. और अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी प्लेफुल मंथ. रिलेशनशिप में है तब भी आप लोगों के लिए काफ़ी प्लेफुल है. रोमांस लेके आएं अपनी लाइफ में. अगर आप मैरिड कपल हैं, लाइफ बोरिंग हो सकती है, डेली रूटीन हो सकती है, प्लेफुलनेस और लव मिसिंग है, डेट पे लेके जाएं अपने पार्टनर को, या बाहर घूमें, पिकनिक पे, कुछ मतलब स्पेंड टाइम अलोन विद योर पार्टनर. लेट्स सी, वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो. तो आप वर्गो हो सकते हैं या वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, आपका मून वर्गो में है. अ चेंज इन द विंड, नंबर 12 इज इम्पॉर्टेंट. 19, रेस्ट एंड रिजुविनेट. आप में से कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी या कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है वर्गो, यू आर गुड इनफ. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इनफ हो. आप ये मत सोचो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ. अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है मैं हैंडसम नहीं हूँ, गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरा कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं है. यू आर गुड इनफ. सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी है. और अगर आप लड़की हो तो आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं है, या मुझे कोई लाइक नहीं करेगा, मुझे इग्नोर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है. वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस. लुक एट दिस, वी हैव अ यूनिवर्स, आपको गाइड कर रही है यूनिवर्स. वी ऑल्सो हैव लव बिगेन्स. लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स, वाओ. एंड वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज. ओके, हो सकता है किसी पर आपको क्रश है, स्पेशली 19 नंबर इंपॉर्टेंट है. आप हो सकते हैं इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ, अब लिसन टू मी, आप हो सकते हैं इस इंसान की बर्थडे 19, 12, 21 या 6 डेट को है. ठीक है, और एक और बात सुने, हो सकता है इस इंसान की एज इस वक्त 19 है, टीनेजर हो सकता है ये इंसान, या आप टीनेजर हो. ठीक है, 21 हो सकती है इस इंसान की एज, 27 हो सकती है, 31 हो सकती है, 30 प्लस हो सकती है, या 20 प्लस, जो भी है. और आप ऐसे कुछ लोग टीनेजर्स भी हो सकते हैं, ये इंसान ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर वाचिंग, हर तरह के लोग देख रहे हैं. अगर मैंने इन डेट्स का नाम लिया है एजेस का, तो अब आप रोने बैठ मत जाइएगा कि ओ माय गॉड, मेरा नाम, मैं तो 40 साल की हूँ, मैं तो 50 साल की हूँ, 30 साल की हूँ, मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है. ये चीज़ें जो चीज़ मुझे यहाँ पे पिक कर रही हूँ मैं इंट्यूटिवली, मैं वो बात कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए ये कन्फर्मेशन है. लेकिन आपकी कोई भी एज हो सकती है, कोई भी जेंडर हो सकता है,
ये रीडिंग ना ही जेंडर स्पेसिफिक है कि एक जेंडर की हो रही है, लड़कियों के लिए हो रही है, नहीं, सबके लिए ये रीडिंग, आप मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इट्स अ फ्री। और अगर आप आपकी कोई भी एज है, आप फिर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इस चैनल पर ये बातें नहीं होंगी कि हमारे लिए ये नहीं, ये सबके लिए है। अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग, चेंज जो है आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है बहुत जल्द, इट्स अ चेंज, बहुत जल्द चेंज आ रहा है। और ये चेंज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को, अपनी थॉट को चेंज कर रहे हो विद द यूनिवर्स की हेल्प से। और आपने में से काफ़ी सारे लोग, आपने ऑलरेडी कंप्लीटेड साइकिल कर लिया है, हीलिंग साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, या आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को गाइड कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को, आपको फेथ है कि चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू होंगी। ये मेजर अरकाना है, ठीक है। ये है वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो इसमें जो है आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी, कंप्लीट होती हुई आएंगी, फाइनली आपको चीज़ें कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करें, यहाँ पर रेस्ट वाली चीज़ आ रही है। जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो ये है, यू हैव टू प्रे, आपको प्रे करना है, मेडिटेट करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को खुश करना है विद द नाइन ऑफ कप्स, गो विद द फ्लो, नाइन ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होने वाली, इस मंथ आपकी कोई विश पूरी होगी विद द नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप है। तो आप में से कुछ लोग, अगर आप सिंगल हैं, इट्स अ रियली गुड न्यूज़ कि आप डेफिनेटली, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ में न्यू फ्रेंड आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए आपकी वर्ल्ड पूरी चेंज होने वाली है, इट्स अ प्रेगनेंसी, इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू यू नो बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, या बहुत जल्द आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए दुआ मांग रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी विश पूरी होने वाली है। अगर आप लव के लिए प्रे कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में ट्रू लव एंटर होने वाला है, अनकंडीशनल लव, लव बिगेंस, एस ऑफ कप्स, और ये म्यूचुअल होगा, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ये इक्वल लव होगा और आपकी विश पूरी होने वाली है। आप ऐसे कुछ लोग, ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ये जिस पे आपको क्रश है, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप लाइक करते हो, उसके साथ आप डेट करने वाले हो या रिलेशनशिप में जाने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आप एक दूसरे की फैमिली से मिलने वाले हो, आप एक दूसरे, हो सकता है आप कमिटमेंट की तरफ जाने वाले हो। लुक सिक्स ऑफ वांड्स, विक्ट्री, सक्सेस, सिंगल से रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली रिलेशनशिप इज कमिंग। आप हो सकता है, लुक एट दिस, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, आप हो सकता है इस तरह के जो है नंबर देख रहे हो, 1221, मतलब मिरर नंबर है, ये मिरर नंबर है 2112, इस तरह के मिरर नंबर्स आपको 1919, अगर हम इसको देखें 1010 बनता है, कंप्लीशन, ग्रोथ, सक्सेस, ठीक है। मुझे लगता है यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी प्रेयर सुन ली है, ठीक है। आपकी ऑलरेडी जो चीज़ आप मांग रहे हो या आपको मांगना चाहिए, क्लियरली क्लियरली यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्या चाहिए, जिस तरह का पार्टनर चाहिए, जो चीज़ आपकी विश है, जो चीज़ आपकी प्रेयर, आपको मिलेगा, इट्स कमिंग। आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं इस पाइल में, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड न्यूज़। या तो आप, ये सेल्फ लव की भी चीज़ एनर्जी नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग सेल्फ लव में, आप इतने, आप अपने आप को इतना हील कर रहे हो, आप इतने अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, दैट आपको ये लग रहा है यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, मतलब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लव चाहिए। लव किसको नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब लेकिन आपकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लोगों को प्लीज़ करने का, लोगों को खुश करने का, बाहर में जाएं, ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, आप चेंज हो रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, हील कर रहे हो, चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ सेम केओटिक है, सेम टॉक्सिक लोगों के साथ आप बैठेंगे, सेम टॉक्सिक लोगों के साथ मिलेंगे, सेम पुरानी बातें रिपीट होंगी, सेम पुराने पैटर्न रिपीट होंगे, चेंज कैसे आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इट्स टाइम टू चेंज, और मुझे लगता है आपने ऑलरेडी ये सब कुछ कर लिया है। ये रिलेशनशिप का बिग चेंज आ रहा है, या आपकी अपनी हेल्थ, आपकी ग्रोथ चेंज हो रही है। जो लोग हेल्थ के बारे में काफ़ी मतलब टेंशन में थे, उनकी हेल्थ यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट है पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीज़ें जो है वो मेडिटेट करें, अपने आप को हील करें, प्रे करें, जो भी आपका तरीका है करने का, ठीक है। अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करें कुछ ना कुछ तरीके से, मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, दुआओं के थ्रू दुआ करें, या अगर आप कुछ लिख रहे हैं, यू नो मैनिफेस्ट करें कि किस तरह से आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, ऊपर वाले के साथ, जिसने ये कायनात पूरी बनाई है, यूनिवर्स बनाई, उसके साथ कनेक्टेड हों, वो आपकी सुनेगा और वो आपको देगा। और आई एम सीइंग दैट इट्स कमिंग, जो आपकी विश है बहुत बड़ी कंप्लीट होने वाली है, यू विल बी वेरी हैप्पी। आई डोंट नो, हो सकता है आपकी कोई जॉब लग सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो होने वाली हैं, और यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको,
आप में से कुछ लोग आप इंटरनेट पे फेमस होने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करें, आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं नया, जो आपको, जो आप लाइक कर रहे हो, आपको अट्रैक्ट करता है, मतलब जो आपको खुश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, बी अ सिंगर, आप अगर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या आर्ट से रिलेटेड है, या हीलिंग से रिलेटेड है, या आपकी अपनी मेडिटेशन से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, ठीक है। आप हो सकता है कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप पता नहीं कितने सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो कुछ स्टार्ट करने वाले हैं आप, नया क्रिएटिव, न्यू जॉब लग सकती है। आप में से कुछ लोग आप कहीं प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, क्योंकि ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपका कोई प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो सकता है, आप कोई इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वो कामयाब हो सकता है। इट्स रियली गुड न्यूज़। इस पाइल में काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होने वाली हैं, लेकिन ये ईजी नहीं था। आपने टेस्ट पास किया, यूनिवर्स ने आपको जो टेस्ट दिया आपने पास किया, आप अपने आप को कंप्लीट। आप ऐसे कुछ लोग अभी भी प्रोसेस में हैं, स्टिल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज। और मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आप सिंगल नहीं रहने वाले, ये जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन हो सकता है ये इंसान, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, ठीक है, ये इंसान, और ठीक है, मतलब इस इंसान के आने से आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी और इस इंसान की भी। ये काफ़ी ऑफिशियल टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा, मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्स, सबको पता होगा कि आप दोनों साथ में हो, ठीक है। मतलब आप हो सकता है इंटरनेट कपल होगे, आप लोगों पे, लोगों को, लोग आप दोनों को देखेंगे, लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी हीलिंग होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और जब ये इंसान आपकी तरफ आए ये मत सोचें कि पता नहीं ये इंसान मेरे बारे में क्यों है, मतलब मुझे क्यों चूज़ कर रहा है, या मैं इस इंसान के पास क्यों, नहीं ऐसा नहीं है। यू आर गुड इनाफ, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट लेके आए, ये मत सोचें कि मैं डिज़र्व नहीं करती, या मैं डिज़र्व नहीं करता, या ये इस तरह का पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेस्ट, ओके। ये दिमाग से अपने निकाल दें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिविटी आएगी या ये सोच भी आएगी तो आप उसी चीज़ को मिरर करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, और आपको फिर इसी तरह का ही पार्टनर मिलेगा, या इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे। आप अपने आप को ऊपर लेके जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाओ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अपने अपने अंदर जो आपको लगता है आपकी वीकनेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में लव का क्या चल रहा है इस मंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप में से, या लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, आप काफ़ी, टू ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि लव के लिए अपने हार्ट को ओपन करें। जो लोग सिंगल हैं अपने हार्ट को ओपन करें प्लीज़। आप, ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, आपको लव का इशू है, आपको ये भी इशू है कि आप काफ़ी लॉजिकल हो सकते हो, ठीक है। अलाउ द लव, लव को आने दें, ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें प्लीज़। और अपना, आपका हार्ट चक्र उस वक्त ओपन होगा जब आप प्लेफुल होंगे, और यही चीज़ प्लेफुल की बात हो रही है। अपने आप को प्लेफुल बनाएं, अपने आप को इमोशनल, क्रिएटिव बनाएं, इन चीज़ों में अपने आप को डालें, अपने आप को गैदर करें, लोगों के साथ मिंगल करने की कोशिश करें। अटैच मत हों, मैं ये नहीं कह रही कि अटैच हों, लेकिन अपने हार्ट को ओपन करें ताकि आप लव के लिए ओपन हों। हो सकता है ये कोई वो इंसान भी है जिसके साथ आपने ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट किया है, ठीक है। ये इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। मैं एक्स की बात नहीं कर रही, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसके साथ आपने शायद, आपकी कोई हिस्ट्री रही है, या आपका रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होने वाला है इस इंसान के साथ, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली सोलमेट का इंतजार तो है, या आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट आए। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, आप इंटिमिडेटिंग हो सकते हो, लोग आप पे ट्रस्ट, लोगों को लगता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो लोगों को या रिलेशनशिप को। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, क्योंकि आप फिर लोग आपसे भागेंगे, लोग आपके रिलेशनशिप से भागेंगे। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हो, डिसिप्लिन हो सकते हो, टू द पॉइंट रूल्स, कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे नहीं। आप ये चीज़ रिलेशनशिप में नहीं चलेगी, बैलेंस रखें, ठीक है। अगले बंदे की भी सुने, अगले इंसान की भी सुने, लड़की लड़का जो भी है उसके साथ भी समझने की कोशिश करें कि उनको लव में क्या चाहिए, वो किस तरह से लव को देखते हैं, या उनको क्या चाहिए लव में, आपकी क्या नीड्स हैं। यहाँ पे प्लेफुल इसलिए बोला जा रहा है, बी प्लेफुल, हैव फन, किसी के साथ फ्रेंडशिप करें, किसी को, अगर कोई आपसे लव करता है, कन्फेस करता है, उसको आने दें। अगर आपको किसी से लव है, कन्फेस करें। अपने दिमाग, आप लॉजिकली सोच रहे हैं, आप दिमाग से सोच रहे हैं, आपका दिमाग आप पे ज़्यादा हावी है, ना कि आपका लव। तो अपने हार्ट की सुने, लव के मैटर्स में हार्ट की सुनते हैं, अदरवाइज जो दूसरे मैटर्स हैं लाइफ के उसमें डेफिनेटली माइंड की सुने, बैलेंस रखें। लेट्स सी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप हो सकते हैं वाटर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं,
पेज ऑफ सोर्ड्स. जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मुझे लगता है कि आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, थ्री ऑफ कप्स, किसी के साथ रियूनियन हो सकती है आपकी, या किसी के साथ रियूनियन हो सकती है थ्री ऑफ कप्स, या ये कोई है जो आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है. आपको मैसेज रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से, ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, इवन ये इंसान आपसे मिलना भी चाहता है. हो सकता है आपकी फिजिकल मीटिंग भी हो इस इंसान के साथ, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है. कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, अगर इस इंसान ने आप गलती की है, आपको हर्ट किया है, वो माफ़ी मांगेगा. ठीक है, आपसे आपको मैसेज मिल सकता है अपॉलोजी का, या अगर स्पेशली थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान, ये इंसान आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, बताना चाहता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वापस आपकी तरफ आना चाहता है, फ्रेंड बनना चाहता है, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, बात करना चाहता है, मसले को हल करना चाहता है. जो आप दोनों के दरमियान में इन्फ्लुएंस था, या फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट थी, या दूसरे लोग गॉसिप्स कर रहे थे, वो चीज़ें क्लियर करना चाहता है शायद ये इंसान, जो भी है. लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैसेज मिल सकता है, इनविटेशन मिल सकता है. लेकिन जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. लव को अलाउ करें, ठीक है. ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको. हो सकता है आपके पास ऑप्शन या चॉइसेस भी हो सकती हैं कि आप चूज़ करें दो लोगों में से. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास चॉइस होगी एयर साइन या अर्थ साइन में से, तो आप चूज़ करेंगे, या वाटर साइन, कि किसको आपने चूज़ करना है, कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं. कोई आपसे बात करना चाहता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहता है, कोई आपको लाइक करता है, लेकिन आप इतने इंटिमिडेटिंग हैं, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी कोल्ड आ रही है कि ये लोग डरते हैं आपसे बात करने से या कॉन्टैक्ट करने में. तो मतलब थोड़ा सा लेट गार्ड्स को डाउन करें. ये मैसेज है आपके लिए, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय. मैंने क्या बोला आपसे, अपने हार्ट को ओपन करें हैप्पीनेस के लिए, ट्रू लव के लिए, फ्रेंडशिप्स के लिए, लोगों को अलाउ करें कि वो आपके करीब आएं. मतलब अटैच मत हों, टॉक्सिसिटी से दूर रहें, अटैचमेंट से दूर रहें. मतलब टॉक्सिसिटी मतलब वो है जब कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन कोई आपके करीब आना चाहता है, कोई आपसे लव करता है, फ्रेंड बनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या किसी के साथ कोई मसला है उसको हल करने की कोशिश करें. ट्रांसफॉर्मेशन, यस, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने वाली है. या आप इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, आप अपने आप को खुश कर रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो. And we have a passion and pleasure. Savor your life. Yes, passion and pleasure. मैंने आपसे क्या बोला है, go out, have fun, enjoy the party. हो सकता है कोई आपको invite करे पार्टी पे, आपसे मिलना चाहता है. Go out. ये मत बोलो, oh my god, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था. ये बातें बाद में हो सकती हैं. Please bring the joy, pleasure, passion and playfulness in your life. ये चीज़ें आपकी life में होनी चाहिए. इन चीज़ों को वापस लेके आए. Be like a child, enjoy like a child. आपका इनर चाइल्ड का इशू भी हो सकता है, ठीक है, या स्ट्रिक्टेंट हो सकती है, या आपकी लाइफ में पहले स्ट्रगल रह चुकी है रिलेशनशिप्स में, आपने बहुत पेन देखा है, हर्ट देखा है, आपने फ्रेंडशिप्स में, लव में, हर जगह पे में भी हो सकता है आपने धोखा खाया या आपको तकलीफ हुई, ठीक है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है, वाइज हो चुके हैं, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दें. आप खुश मत हों, या आप अपने आप को खुश, लव को अंदर एंटर होने दें, खुशी को एंटर होने दें. अपने आप को खुश करें, अपने आप को हैप्पी करें. सबसे पहले अपने आप को चूज़ करें, अपने आप को हील करें इतना कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो, लेकिन लोग आपके पास आएँ, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें. या अपने आप को इस बिल्कुल डिस्क्लोज मत कर दें, सबके साथ कट ऑफ मत कर दें, ये सही नहीं है, ठीक है. ये आपके लिए रीडिंग है. तो हो सकता है आपकी चीज़ें इस मंथ में काफ़ी पैशनेट चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी इमोशनल, अप्स एंड डाउन, काफ़ी चेंजेस हो रही हैं आपकी लाइफ में. दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ओके. मत सोचें कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये चेंज हो रहा है और अपनी लाइफ में चेंज लाएँ, ठीक है. हो सकता है आप कुछ नया भी लर्न करें इस मंथ, जहाँ पे आप लर्न करने जाएंगे, न्यू स्किल, न्यू टैलेंट, न्यू हॉबी, वहाँ पे आप शायद फ्रेंड्स बनाएं, वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपने आप को ओपन करें, एटलीस्ट ओपन करें. यू आर वेरी क्लोज्ड, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बार बार नजर आ रही है इस पाइल में, ठीक है. तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.